स्टूडेंट्स, आज हमारा इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम के बारे में बोला था और स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम के लिए कुछ स्टेप्स भी आपको बताई थी। इसके पहले आपको ये भी बताया था कि स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स में आपको प्रॉब्लम जो है वो तीन टाइप के रह सकते हैं। एक तो मास मास टाइप का, मतलब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास, या फिर मास और वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम वॉल्यूम, इस टाइप का रह सकता है। आपको स्टेप्स भी बताए थे और स्टेप में आपको ये बताया था कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है वाइल सॉल्विंग दी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा काम करना है आपको, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद आपको रिएक्टेंट के नीचे और प्रोडक्ट के नीचे, हर एक रिएक्टेंट और हर एक प्रोडक्ट के नीचे उसका मास या फिर उसका वॉल्यूम लिखना है। और वो मास और वॉल्यूम जो है वो आपको फॉर्मूला मास से कैलकुलेट करना है। इट्स योर थर्ड पॉइंट, ओके। ये आपके तीन पॉइंट वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट ये था कि अगर कोई डाटा हमें पता नहीं है तो हम उसको यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको प्रॉब्लम से समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली हमें क्या करना है। तो देखो, आपको प्रॉब्लम दिया है 2.11। ये प्रॉब्लम आपको समझा के दे रही हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, थोड़ा ईजी वे से समझने से आप अनसॉल्व प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और डेफिनेटली आप ये अटेम्प्ट करोगे, ये प्रॉब्लम को देखने के बाद आप अनसॉल्व प्रॉब्लम डेफिनेटली अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। और आप मुझे वो PDF में सेंड भी करोगे। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सो देखो प्रॉब्लम, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म ऑन कंप्लीट कंबर्शन ऑफ 24 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास किसका कैलकुलेट करना है, मास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का जो फॉर्म हो रहा है कब, ऑन कंप्लीट कंबर्शन ऑफ 24 ग्राम ऑफ मीथेन। जो 24 ग्राम के मीथेन को हम कंबर्स करते हैं, जलाते हैं, और किसके प्रेजेंस में जलाएंगे, ऑक्सीजन, मतलब हम मीथेन की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, ऑक्सीजन के साथ करेंगे। समझ में आया, मीथेन का कंबर्शन करना मतलब मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करना, ओके। मतलब हम जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, वो भी कितने ग्राम का मीथेन लेंगे, 24 ग्राम का मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, मतलब 24 ग्राम के मीथेन का कंबर्शन होगा, वो भी कंप्लीट कंबर्शन होगा। और जब वो कंप्लीट कंबर्स होगा तो वहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा मिलेगा वाटर, और इस दोनों का मास हमें कैलकुलेट करना है, ओके। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास और वाटर का मास जो फॉर्म होंगे रिएक्शन के टाइम पे। और चीज़ हमें दी है, एटॉमिक मासेस दिए, कार्बन का 12 यूनिफाइड मास यूनिट, हाइड्रोजन का 1 यूनिफाइड मास यूनिट एंड ऑक्सीजन का 16 यूनिफाइड मास यूनिट, ओके। नाउ आपको सॉल्यूशन दिया, सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले हमें कौन सी चीज़ करनी है, अकॉर्डिंग टू से बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना, ठीक है। तो हम इसको अच्छे से देख लेते, देखो आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख के हो गया। और आप अपने साथ बुक रखोगे तो आपको समझने में और आसानी जाएगी। तो अपने साथ अपना बुक रखो पढ़ते टाइम, वीडियो देखते टाइम, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम लिख के दिया और डेटा जो है वो भी लिख है उसमें, तो मैंने डेटा लिखा नहीं, मैंने सिर्फ स्टार्टिंग किया सॉल्यूशन से। आपको एटॉमिक मासेस भी दिए, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो आपको देखने के लिए ईजी हो जाएगा। तो देखो आपको ये आपकी फर्स्ट स्टेप होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने की। सेकंड स्टेप है कि हमें सबका एटॉमिक मास लिखना है, वो भी फॉर्मूला के हेल्प से फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करना है, अब कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, 12, और कार्बन का एटम यहाँ पे एक ही है, ठीक है, प्लस इसके साथ हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4 है, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, तो 4 × 1 प्लस, अब प्लस नहीं कह रहे सॉरी, ठीक है। अब ये हो गया इसका मास, मतलब मीथेन का मास यहाँ पे हो गया 16 ग्राम। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, इट्स अ मोल, इट्स अ 1 मोल ऑफ मीथेन एंड इट्स अ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है तो ये 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन इंटू ऑक्सीजन का एटमिक मास नंबर है 16, और ऑलरेडी और यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 16 × 2 इसको सॉल्व करोगे तो इट बिकम्स 64 ग्राम। नाउ आपको प्रोडक्ट मिला है, मतलब यहाँ पे हम मीथेन का
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, मतलब मीथेन का हम कंबशन करेंगे, और मीथेन का जब हम कंबशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसलिए मीथेन का एक मॉलिक्यूल लिया, ओ टू के दो मॉलिक्यूल लिए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन होगा तो सी ओ टू बनेगा, प्लस हाइड्रोजन, फोर हाइड्रोजन है और चार ऑक्सीजन में से दो ऑक्सीजन तो हमने यहाँ पे यूज़ के लिए बचे दो, तो इट फॉर्म्स अ टॉइस एच टू ओ। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन थी और हमने इसका मास फाइंड आउट किया। अब CO2 का मास कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 2 × 16, समझ में आया, तो ये हो जाता है 44 ग्राम। नाउ वाटर का देखो, वाटर में देखो 2 है, ये 2 कॉमन होता है इसलिए 2 को साइड में लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे हाइड्रोजन की 2 एटम्स है और उसका मास है 1, प्लस ऑक्सीजन का एक एटम है उसका मास है 16। ठीक है, और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आता है 36 ग्राम। तो हमें सबके मास मिल गए, सभी रिएक्टर प्रोडक्ट के मास मिल गए, CH4 का 16 ग्राम मिला, O2 का 64 ग्राम मिला, CO2 का 44 ग्राम मिला एंड वाटर का 36 ग्राम। और यहाँ पे हमने मीथेन को कितना लिया है ये आपको याद रखना, जो आपको प्रॉब्लम में दिया है 24 ग्राम मीथेन को हम कंबस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे तो एक ही दिया है पहले। ठीक है, वो तो हमारा प्रॉब्लम है, बस यहाँ पे रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो 36 ग्राम ही कंबस्ट हो रहा है फिलहाल तो भी। तो देखो, हमें ये जो रिएक्शन हमने लिखी है, इस रिएक्शन से हमें एक चीज़ पता चली है, कौन सी, हमें इससे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इस रिएक्शन में मीथेन कितना ग्राम है, 16 ग्राम है। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन का जब कंप्लीट कंबशन होता है तब कितना CO2 प्रोड्यूस होता है, 24 ग्राम। तो आपको क्या लिखना है कि इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि हेंस 16 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2। ये कहाँ से पता चला, रिएक्शन से, कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस 24 ग्राम ऑफ CO2। सो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग 24 ग्राम ऑफ मीथेन का कंबशन करने से कितना CO2 फॉर्म हुआ, क्योंकि आपको प्रॉब्लम में पूछा है, क्योंकि हमें बोला है कि 24 ग्राम मीथेन का कंबशन करने से कितना CO2 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये निकालना है हमें, निकालना क्या है अपने प्रॉब्लम में कि 24 ग्राम ऑफ मीथेन का कंबशन करने से कितना CO2 प्रोड्यूस होता है। बट तो ये निकालने के लिए हम इस रिएक्शन के मदद से हमने ये निकाला है, और रिएक्शन से हमें ये पता था कि 16 ग्राम मीथेन का कंबशन करोगे तो 24 मिलेगा, तो 24 ग्राम मीथेन को कंबस करोगे तो कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 पेन की कॉस्ट इतनी तो 10 पेन की कितनी, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी करेंगे कि 16 ग्राम मीथेन 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करता है तो 24 ग्राम कितना करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 16 × x एंड 44 × 24, हमें x निकालना है, x ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, मतलब 16 ग्राम मीथेन से 44 CO2 मिलता है तो 24 ग्राम से कितना CO2 मिलेगा, तो x निकालेंगे। अब x को यहाँ पे रख देंगे 44 × 24 / 16, एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिलता है 66 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा, जब हम 24 ग्राम ऑफ मीथेन को कंबस करेंगे तो 66 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये हो गया आपका, मतलब जब हम 24 ग्राम ऑफ मीथेन को कंबस करेंगे तो 66 ग्राम ऑफ CO2 वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, समझ में आ गया। 16 ग्राम में रिएक्शन से पता चला कि 16 ग्राम मीथेन से 24 ग्राम CO2, तो प्रॉब्लम में पूछा कि 24 ग्राम से कितना, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया एक। फिर दूसरा देखो, दूसरे इसमें आपको पूछा है, कि वाटर, ये तो CO2 का हो गया, वाटर के बारे में पूछा है, कि 24 ग्राम मीथेन का कंबशन करने से कितना वाटर फॉर्म होता है, कितना ग्राम वाटर बनता है। ठीक है, मतलब 24 ग्राम मीथेन से कितना ग्राम H2O प्रोड्यूस होता है वो हमें निकालना है। वही हमें ऑलरेडी रिएक्शन पता है, हमने रिएक्शन तो ऑलरेडी देखी है, हमें रिएक्शन भी पता है, और रिएक्शन में पता कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन से कितना वाटर बन रहा है, 16 ग्राम मीथेन के कंबशन से 36 ग्राम ऑफ वाटर बन रहा है, तो हम वो लिखेंगे कि रिएक्शन के अकॉर्डिंग 16 ग्राम
मीथेन के कंबशन से 36 ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो 24 ग्राम ऑफ मीथेन से कितना ग्राम वाटर फॉर्म होगा? 16 ग्राम मीथेन के कंबशन से 36 ग्राम बनेगा, तो 24 ग्राम मीथेन के कंबशन से कितना वाटर बनेगा? तो हमें लिखा है अगेन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, अगेन यहाँ पे 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू 24 इंटू 36, मतलब x इज इक्वल टू 24 इंटू 36 डिवाइड बाई 16, सो x इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज 54 ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और ये 66 ग्राम ऑफ CO2 बनेगा, तो ऐसे हमें ये प्रॉब्लम मिला, ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 12.2.12, हाउ मच CaO विल बी प्रोड्यूस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्राम CaCO3, मतलब कितना CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से, मतलब जब हम 5 ग्राम के कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे तो कितना ग्राम CO मिलेगा। इसलिए आपको रिएक्शन दी है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाएगा। हम पहले बैलेंस इक्वेशन लिख लेंगे, फिर उनका मास फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया CaCO3, जिसको हम डिकम्पोज करते हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और CO2 मिलेगा। अब कैल्शियम का मास 40 है, प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3, तो वो हो गया टोटल 100 ग्राम या फिर 100 पार्ट्स बोलेंगे, ठीक है, मतलब 100 ग्राम। फिर जो प्रोडक्ट मिल रहा है कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो वो हो जाएगा 56 पार्ट्स। और जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मिल रहा है तो उसका भी निकालेंगे, 12 प्लस 2 × 16, मतलब ये हो गया 44 पार्ट्स। तो देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का 100 पार्ट्स, कैल्शियम ऑक्साइड का 56 पार्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 पार्ट्स ये मिल रहा है। और हमें बोला है कि मतलब हमें इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से हमें 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, ओके, समझ में आया कि जब हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तब 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो हमें पूछा है प्रॉब्लम में कि 5 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट लिया तो कितना ग्राम मतलब कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन जैसे हमने इसके पहले किया, तो 100 × x इज इक्वल टू 56 × 5, तो x इज इक्वल टू 56 × 5 डिवाइडेड बाई 100, सो हाउ मच इट इज? इट इज 2.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ओके। तो ये सेम प्रॉब्लम है। नाउ आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम बता देती हूँ, जो आपको थोड़ा सा अलग है, जो वॉल्यूम के केस में दिया हुआ, तो उसका भी सेम वैसा ही है, ठीक है। आपको जो दिया है उसमें पूछा कि इट्स अ प्रॉब्लम नंबर 2.13 है प्रॉब्लम नंबर, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2.13। इसमें देखो, इसमें भी वही दिया है, हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP आर रिक्वायर्ड टू बर्न कम्प्लीटली 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन, मतलब जब हम 2.2 ग्राम के प्रोपेन को बर्न करेंगे तो कितना ऑक्सीजन बनेगा, वो भी लीटर में पूछा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है, आप बुक साथ में रखो तो समझ में आ जाएगा। अगर आप 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन को बर्न करोगे, इतना ग्राम 2.2 ग्राम प्रोपेन को बर्न करोगे तो कितना लीटर ऑक्सीजन बनेगा, मतलब प्रोपेन के कंबशन के बाद कितना लीटर ऑक्सीजन बनेगा। तो सबसे पहले हम बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, तो बैलेंस इक्वेशन में प्रोपेन मतलब C3H8, ठीक है, और उसको हम बर्न करेंगे मतलब उसको कंबस करेंगे, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन तो उसमें ऐड करना ही पड़ेगा, तब जाके वो बर्न होगा, ठीक है। तो इसको बैलेंसिंग आपको बताया नहीं मैंने, आपको बैलेंसिंग खुद करना है, प्रोपेन C3H8 और 5 इसलिए लिया बैलेंसिंग करने का आपको समझ में आता है, ठीक है। अब जनरली जब कार्बन का हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये वाटर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोपेन में 3 है,
यहाँ पे हमने एक ही लिया, मतलब हमें 60 में यहाँ पे लेना पड़ेगा थ्राइस ओ टू, जिससे 3 कार्बन बैलेंस होंगे और 3 to 6 ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज होंगे और वाटर जो बनेगा वो 8 है। तो यहाँ पे हमें 4 लिखना है, 4 to 8 मतलब ये 3 to 6 और ये 4 ऑक्सीजन 6 + 4 = 10 हो गया, इसलिए 5 to 10 बैलेंस ऑफ क्रिएशन आपकी। ओके, अब इसका हम मास निकालेंगे, मास निकालेंगे मतलब ये 3 कार्बन 3 × 12 प्लस 8 × 1 तो ये हो जाएगा टोटल 44 ग्राम। ये 5 ब्रैकेट के अंदर 16 × 2 तो हो जाएगा वो टोटल 16 ऑक्सीजन जो है वो गैसियस स्टेट में है, तो यहाँ पे आपको 5 O2 मतलब 5 × 22.4 लीटर। तो यहाँ पे देखो आपको लीटर के टर्म में लेना है, तो आपको इसका जो इसका जो है मतलब हमें यहाँ पे मास नहीं निकालना है, यहाँ पे हमने प्रोपेन का मास निकाला है तो ये मास हो गया प्रोपेन का, बट यहाँ पे ऑक्सीजन आपको लीटर में पूछा है तो हमें इसका लीटर में लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको मास लीटर मतलब आपको वॉल्यूम में लेना है, ठीक है, वॉल्यूम, तो मास और वॉल्यूम टाइप का ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कौन सा प्रॉब्लम है, ये मास और वॉल्यूम टाइप का प्रॉब्लम है, एक का मास दिया है तो दूसरे का आपको वॉल्यूम दिया, तो मास और वॉल्यूम टाइप का प्रॉब्लम है तो आपको इसका भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम निकालने के लिए आपको एक टर्म कंसिडर करनी होती है कि जब, और वो भी एट STP पे पूछा है आपको प्रॉब्लम में, STP लिख के दिया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब एट STP कंडीशन पे जब 1 मोल आइडियल कोई गैस अगर है तो वो कितना ऑक्यूपाई करते, इट ऑक्यूपाइज द 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, अगर कोई 1 मोल की गैस है तो कितना ऑक्यूपाई करती है, वो 22.4 क्योंकि लीटर में लिखना है इसलिए हमने ये सब किया। अब यहाँ पे कितना मोल है, 5 मोल है, ठीक है, तो 1 मोल 22.4 तो 5 मोल कितना, 5 × 22.4 मतलब 1 मोल 22.4 इतना ऑक्यूपाई करती है, तो 5 मोल कितना करेगी, तो 5 × 22.4 लीटर इतना वो ऑक्यूपाई करेगी, मतलब हमें आंसर मिलेगा 112 लीटर। समझ में आया, 1 मोल 22.4 ऑक्यूपाई कर रही, तो 5 मोल कितना, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, समझ में आया, 1 मोल इतना ऑक्यूपाई करती है, तो 5 मोल कितना, तो 5 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 5 मोल करेगी, 112 लीटर इतना ऑक्यूपाई करेगी, समझ में आया। अब आप आगे का निकालने की ज़रूरत नहीं है, देखो 24 ग्राम जो मीथेन है वो कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है, मतलब 24 ग्राम प्रोपेन के लिए, 24 ग्राम प्रोपेन के लिए हमें 112 लीटर इतना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, तो 2.2 ग्राम प्रोपेन के कंबर्शन के लिए कितना रिक्वायर्ड रहेगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी वैसे ही करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 44 × x एंड 112 × 2.2 मतलब x इज इक्वल टू 112 × 2.2 डिवाइडेड बाई 44 आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 × x एंड 2.2 × 112 तो फिर x को एक साइड में रखा और बाकी सारे टर्म हम एक साइड में लेके, तो हमें x का आंसर कितना मिलता है, इट इज 5.6 लीटर। ओके, तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम, समझ में आया, ये लीटर वॉल्यूम में, तो इसमें एक टर्म कौन सी याद रखनी है कि हमें 1 मोल जो है वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, तो 5 कितना ऑक्यूपाई करता है, तो 5 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें उतना वॉल्यूम मिलेगा, अगर हमने यहाँ पे 6 भी होता तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, 1 मोल के लिए इतना तो 5 के लिए कितना, मतलब हम 5 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 5 के लिए कितना मिलेगा, 112 लीटर। तो हमने फिर रिएक्शन से हमें पता चला कि 24 ग्राम लीटर के लिए 112 लीटर इतना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, तो आपको प्रॉब्लम में पूछा कि 2.2 ग्राम प्रोपेन के लिए कितना लीटर लगेगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम दिया है, वो भी सेम वैसा ही है, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम थोड़ा समझा के बता देती हूँ। सो देखो लास्ट प्रॉब्लम, अ पीस ऑफ जिंक वेइंग 0.635 ग्राम, हमने एक जिंक का पीस लिया है जिसका जो वेइंग करने का उसका वेट पता चला इट्स 0.63 ग्राम है, वेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट H2SO, जब उसको H2SO4 के साथ मतलब सल्फ्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट किया
ट्रीट किया तो उस रिएक्शन के टाइम पे 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट STP जो है वो लिबरेट होती है, मतलब हाइड्रोजन गैस वहाँ पे इतनी लिबरेट हो रही है। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में तो हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि हम अभी तक लीटर में कन्वर्ट, लीटर के बारे में आपको दिया है तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्या कहा है कि जिंक का हमने 0.635 ग्राम का पीस लिया, उसको H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो वो 200 सेंटीमीटर क्यूब इतनी हाइड्रोजन गैस वो लिबरेट करता है, वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ जिंक सैंपल, तो हमें ये बताना है कि हमारा जिंक का सैंपल कितने परसेंट प्योर है, ठीक है। तो देखो थोड़ा प्रॉब्लम हार्ड है, रिलीवेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। जिंक का पीस मतलब जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएड करो तो आपको मिलेगा ZnSO4, ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, जिंक अटैच हो जाएगा तो ZnSO4 प्लस H2, मतलब ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर रिलीज हो जाएगी, इट फॉर्म्स अ ZnSO4 प्लस H2। सो इट इंडिकेट दैट कि 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, आपको पता है कि इसके पहले हमने लिखा ही था कि STP पे वन मोल कितना होता है, कितना ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस जो है वो कितने मोल बन रही है, वन मोल बन रही है, रिएक्शन में वन मोल बन रही है। इसका मतलब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो 21 मोल मतलब 22.4 लीटर, मतलब यहाँ पे 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है एट STP पे, ठीक है। तो 22.4 लीटर हाइड्रोजन मतलब कितना ग्राम जिंक है, जिंक का मास है 65 ग्राम, जिंक का एटॉमिक मास है, मतलब वन मोल नथिंग बट 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मतलब 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन अगर रिएक्शन में लिबरेट हो रहा है तो वो हाइड्रोजन किसके इक्वल होता है, 65 ग्राम ऑफ जिंक, मतलब 65 ग्राम ऑफ जिंक इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेट, मतलब 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है तो उस टाइम पे जिंक कितना ग्राम रहेगा, 65 ग्राम रहेगा, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम में पूछा कि जब 200 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी तो जिंक का मास कितना रहेगा, मतलब जिंक का परसेंटेज कितना रहेगा प्योरिटी का। तो पहले हम ये निकालेंगे कि 65 ग्राम जिंक के टाइम पे 22.4 लीटर इतनी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, तो इसको हमने लीटर में कन्वर्ट किया, ये 200 सेंटीमीटर का किस में कन्वर्ट किया, लीटर में। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसको 1000 से डिवाइड किया। जब आप 200 को 1000 से डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा 0.200 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP। तो 200 लीटर STP जो है वो कितना पड़ेगा, मतलब सिंपल टर्म कौन सी रहेगी कि जब हम 22.4 लीटर हाइड्रोजन के लिए 22.4 हाइड्रोजन लीटर हाइड्रोजन गैस के टाइम पे 65 ग्राम ऑफ जिंक है तो 0.200 लीटर के लिए कितना, अगेन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 65 डिवाइडेड बाय 22.4 जो थोड़ा जो है, देखो यहाँ पे जिंक को H2 के साथ रिएक्ट किया तो वो ZnSO4 प्लस H2 प्रोड्यूस करता है, तो जिंक यहाँ पे 65 ग्राम है और 65 ग्राम जिंक से हमें वन मोल H2, वन मोल H2 मतलब कितना लीटर, 22.4 लीटर, क्योंकि ये STP पे है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है, कि जब वन मोल गैस है तो उसका वॉल्यूम कितना था, 22.4। तो जब 65 ग्राम कम्बस्ट होगा तो 22.4 लीटर इतनी हाइड्रोजन गैस वहाँ पे लिबरेट होगी। तो हमें ये इस रिएक्शन से पता चला कि 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस जब लिबरेट होती है तब जिंक कितना ग्राम होता है, 65 ग्राम। लेकिन अगर हमने हाइड्रोजन का वॉल्यूम अगर 0.200 लीटर लिया तो 200 लीटर मतलब 200 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ बहुत इक्विवेलेंट, इसको कन्वर्ट किया हमने, 200 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 0.200 लीटर हमने लिया तो कितना ग्राम ऑफ जिंक वहाँ पे रहेगा। तो अगेन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0.200 × 65 इज इक्वल टू 22.4 × x, ठीक है। x को यहाँ पे रखेंगे, एक्चुअली उल्टा हो गया, ठीक है, को याद रखना है, एक्चुअली बराबर है। तो यहाँ पे 0.200 × 65 डिवाइडेड बाई 22.4 आपको x मिलेगा, एंड हाउ मच इट इज़ 0.58 ग्राम ऑफ x मिलेगा, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, ये 0.58 ग्राम ऑफ x मिलेगा। अब हमें ये मिल गया, देखो, और कन्वर्शन कैसे किया, देखो ये 200
200 सेंटीमीटर क्यूब को हमने कैसे कन्वर्ट किया है, 200 डिवाइडेड बाय 1000 मतलब 200 डिवाइडेड बाय 10 to the power 3। अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 200 × 10 to the power -3 तो 3 पॉइंट पीछे 1, 2, 3 मतलब यहाँ पे आएगा 002.0 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया तो इसके अकॉर्डिंग हमें कितना ग्राम मिला है, ग्राम 0.58 ग्राम, मतलब 65 ग्राम ऑफ जिंक जब होता है तब 22.4 लीटर इतनी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, 65 ग्राम ऑफ जिंक लिया तो 22.4 लीटर इतनी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 0.200 लीटर हाइड्रोजन गैस जो है वो जब लिबरेट होती है तो जिंक का कितना ग्राम होता है, तो कितना ग्राम होता है जिंक का, 0.58 ग्राम होता है। अब हमें परसेंट निकालना है कि टोटल हमारे पास जो प्योरिटी है जिंक की वो कितनी है, तो हमारे पास जो ग्राम दिया है जिंक का वो कितना है, कितना जो हमें जिंक का पीस दिया उसका मास कितना है, जिंक के पीस का वेट है 0.65 ग्राम। तो इतने ग्राम में से 0.58 ग्राम जो है वो उस पोर्शन से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, तो इतने में से इतना लिबरेट हो रहा है, जैसे हम बोलते ना इतने में से हमें इतने मास में, तो इतने में से इतना लिबरेट हो रहा है और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो हमें परसेंट मिल जाएगा। इससे 91.33% प्योरिटी जिंक में होती है। तो आप इसको एक बार ओवरलुक करो, आपका आंसर समझ में आ जाएगा। थैंक यू।